हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैंने फ्री स्टाइल ही क्यों चीज की, फोर्ड फ्री स्टाइल टाइटेनियम मॉडल ही क्यों चूज किया। काफी सारी कार्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने केवल इसी कार को चूज किया, प्रेफरेंस दिया, ऐसा क्यों। और सबसे बड़े क्वेश्चंस लोगों के आ रहे थे मेरे पास कि आपने स्विफ्ट क्यों नहीं ली VXI। तो मैं आप लोगों को अब आज क्लियर कर देता हूँ कि मैंने क्यों नहीं ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये कार मुझे ऑन रोड 7,60,000 रुपीज़ की पड़ी है, ऑन रोड सारे चीज़ें मिला करके। तो 7,60,000 रुपीज़ तक में अगर मैं कोई कार देखता तो बलेनो भी आ रही थी मारुति की, डेल्टा मॉडल आ जाती, एंड आपकी एल ई टाई 20 आ जाती हुंडई की, एंड आपका स्विफ्ट तो थी मारुति की, एंड और कुछ कॉम्पैक्ट सेडान्स भी अवेलेबल थी, होंडा अमेज हो गई, एंड आपका ये हो गया मारुति डिजायर, एस्पायर भी लॉन्च हो गई नई वाली फोर्ड की, लेकिन मैंने वो नहीं ली, मैंने यही ली फोर्ड फ्री स्टाइल। तो सबसे पहला रीजन था मेरा क्योंकि इस कार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो ऑफ रोडिंग कार से मिलते जुलते हैं। मतलब 4x4 तो नहीं है कार, टू व्हील ड्राइव ही है, लेकिन हाँ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, तो इससे काफी ज्यादा ना ग्रिप और अच्छी ग्रिप मिलती है टायर्स को। तो कार का व्हील लॉक्स तो ABS से नहीं होता खैर, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी स्किड जो कार होती है स्किड करने से भी बचा लेता है, तो काफी सारे मड में अगर कार चल रही तो हेल्प करता है। तो मेरी जो यहाँ की रोड है वो थोड़ी सी खराब है और मुझे ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा चाहिए थी, तो उसकी 190+ mm की है ग्राउंड क्लियरेंस, 190 से ज्यादा, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं कितनी है, लेकिन 190 से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड जो और एक और पॉइंट था वो पॉइंट था कि इसका जो आपका फीचर लिस्ट है, मतलब इतने ज्यादा फीचर कोई कार नहीं ऑफर कर सकती इस प्राइस पॉइंट में, चाहे आप कोई भी कार ले लो। जैसे कि अगर इसमें मैं बताऊं, मैंने टाइटेनियम मॉडल लिया है, तो टाइटेनियम में आपको इसमें टू एयर बैग्स आ रहे हैं, ABS प्लस EBD है ये, तो सारी कार्स में आपको मिल जाते हैं जितनी मैंने नाम लिए, लेकिन उसके एडिशनल बाकी सब कार्स के एडिशनल इसमें क्या आ रहा है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें आप लोग को ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, एंड इसमें आप लोग को एक टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ एक सेकेंड। इसमें आपको टच स्क्रीन का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ESP मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है इस कार में आपको, ARP मिलता है, एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन तक मिलता है इस कार में आपको। तो जब इतने सारे फीचर्स मुझे एडिशनल मिल रहे थे, इस कॉस्ट में कोई कार ऑफर नहीं कर रही थी, अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड रियर पार्किंग कैमरा भी है, एंड सेंसर्स भी हैं, तो इतने सारे जब फीचर्स मुझको इस कार में मिल रहे थे तो मैंने सोचा यार, और तो और इसका इंजन सबसे ज़्यादा पावरफुल है पेट्रोल इंजन में, 1.2 लीटर का ड्रैगन सीरीज का जो पेट्रोल इंजन इनका आया, सबसे ज़्यादा मोस्ट पावर जनरेटिंग इंजन है। फिगर्स इसके सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे, 96 PS की पावर है, 120 Nm का टॉर्क है, तो काफ़ी टॉर्की नेचर भी है इंजन का। थ्री सिलेंडर है, लेकिन किसी भी मामले में आपको थ्री सिलेंडर फील नहीं करवाता है, ये मैं आपको पूरा एक अच्छे से रिव्यू करके, कार को ड्राइव करके 0 to 100 करके, और सारी जितनी भी कार को एकदम उसकी लिमिट्स तक ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छे से रिव्यू में, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर भी। तो इसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, आपको कीलेस एंट्री मिलती है, स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है, एंड प्रैक्टिकलिटी भी ठीक ठाक है। यहाँ पे सेंटर कंसोल में भी काफ़ी आपको सामान मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप की रख सकते हैं अपनी, दो हाफ हाफ लीटर की बॉटल, एक 1 लीटर की, दो एक 1 लीटर इधर, एक 1 लीटर इस वाले ड्राइवर साइड डोर में, ये सब आप रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझको। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूँ स्विफ्ट की जो है आपकी, स्विफ्ट मारुति की ZXi जो आ रही है, ZXi से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे कहीं भी आसपास भी नहीं लग रही थी वो कार इसके अकॉर्डिंग, इतनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इस कार की। मतलब स्विफ्ट से तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी लगी, सीट क्वालिटी जो भी है अंदर की, चाहे आप ये डैशबोर्ड के फिट एंड फिनिश टच की बात करें, वो सब कुछ मुझे इसकी स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये एक पॉइंट था। एंड फीचर्स अगर मैं गिनता हूँ ZXi में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। ZXi मतलब टॉप ट्रिम नहीं, ZXi प्लस टॉप ट्रिम है, उससे पहले ZXi आता है पेट्रोल में। तो ZXi जो है, ZXi में आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाता, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें भी नहीं मिलता आपको, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता, कीलेस एंट्री मिल जाती है आपको ZXi में, एंड आपको ये
इसमें आपको ABS EBD ही मिलता है, ना ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता, ना इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता आपको ZXI में। और ZXI का प्राइस इससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, 7,60,000 से ऊपर जा रहा था, वो लगभग 8 लाख के आसपास जा रहा था उसका प्राइस। तो प्राइस भी इतनी ज़्यादा जा रही है एंड फीचर्स भी कम मिल रहे हैं, और मुझे माइलेज भी दोनों का कोई डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि मेरे एक बहुत ही मेरे पापा के करीब के फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, उन्होंने अभी स्विफ्ट ली है, तो उनको जो माइलेज मिल रहा है उसके ही आसपास का मुझे भी फ्री स्टाइल में मिल रहा है माइलेज, तो वो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो माइलेज भी अच्छा मिल रहा है मुझको, पावर भी अच्छी मिल रही है मुझको कार में, एंड सबसे बड़ी बात इस कार की जो हैंडलिंग है वो मुझे स्विफ्ट से बेहतर लगी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब कह सकता हूँ हाँ काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, अच्छी है हैंडलिंग, बहुत अच्छी हैंडलिंग मुझे इसकी लगी। एंड इसमें स्पेस भी काफ़ी, स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा है, आपको हर जगह जगह दी हुई है, बस एक पीछे के डोर्स में कोई बॉटल होल्डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो लोगों का मिथ था, मिथ क्या था, था ही पहले ये कि इसमें पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते थे, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट फोर्ड ने देना शुरू कर दिया है ट्रेंड मॉडल से, तो ये जो फोर्ड की कंप्लेंट आ रही थी अब इसको एडजस्टेबल कर दिया इन्होंने। मैं आपको एडजस्ट करके भी दिखाई देता हूँ, ये रहा है हेडरेस्ट, तो ये हो गया ऊपर, और अब मैं बटन दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम्स थी फोर्ड ने तुरंत के तुरंत ही रिजॉल्व कर दी, कोई बहुत दिन तक रहने नहीं दी, और ये सब अचानक से कर दिया उन्होंने, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। और इनकी फ्रंट सीट्स भी जो है काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट मुझे तो ठीक ठाक मिल रहा है, कोई थोड़ा सा कम है लेकिन हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझको। इसको मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे भी लेके आया हूँ, इसका एक माइलेज पे भी वीडियो मैं बता दूंगा कितना माइलेज देती है और कैसे चलाएंगे तो अच्छा माइलेज ये कार आपको निकाल के देगी, तो इस पे भी एक अच्छा वीडियो मैं बना दूंगा। तो अब फिर जो रीज़न बनता है इस कार लेने का, जो आप लोग का है मेन इस वीडियो का टॉपिक कि क्यों ली, तो यही सारे रीज़न थे कि मैंने ये कार नहीं, मतलब यही कार ली एट द एंड, और बाकी सारे जो ऑप्शंस थे उसको मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए थी, कार स्पोर्टी भी होनी चाहिए, हाईवे पे भी चल सके, ये कार हाईवे पे भी काफ़ी स्टेबल कार है, तो ये खराब सड़कों भी आराम से चल जाती है और हाईवे पे भी चल जाती है। एंड ये कार कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सिटी में भी इजली चल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तीनों का कॉम्बो पैक हो जाता है, तो ये कार मुझे इसलिए बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैंने एस्पायर भी नहीं ली, यही ली इसके। और एस्पायर की प्राइसिंग में बहुत थोड़ा सा माइनस सा डिफरेंस था, उतना हम कर सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझको ये कार स्पेशली बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा यही लेते हैं, एक अपने फैमिली में मैंने डिस्कस किया तो यही कार लेते हैं, ऐसा डिसाइड हो गया। एंड यही कुछ मेन पॉइंट्स थे, क्योंकि स्विफ्ट मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, नई वाली स्विफ्ट जो भी आई थी आपकी, इतनी रोड पे दिखती, लेकिन मुझे उसका मेन वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगती आज के इस टाइम पे, जब तक फ्री स्टाइल जैसा उनके सामने कंपटीटर मौजूद है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैं स्विफ्ट लूँ या फ्री स्टाइल लूँ, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, केवल ऑटोमेटिक में एक्सेप्शन है आपको कि आप स्विफ्ट ले सकते हैं, फ्री स्टाइल में नहीं आता ऑटोमेटिक का ऑप्शन। AMT अगर आपको लेना है तो आप केवल स्विफ्ट ले सकते हैं, अदरवाइज नो, स्विफ्ट आपको छूनी नहीं अगर आप फ्री स्टाइल लेना है, फ्री स्टाइल ही लेनी है आपको, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल इंजन हो, क्योंकि डीजल इंजन भी बहुत पेपी है कार का, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, स्विफ्ट में वैसा मज़ा फील ही नहीं होगा जैसा इसमें मज़ा फील होगा, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल इंजन हो। पेट्रोल इंजन लोग कहते हैं पावर, मतलब पिकअप कम है, कौन कह रहा है, मैं इसको इतना अच्छे से पिकअप ली थी ये कार, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद भी कैबिन में बिल्कुल नॉइज़ नहीं आती। स्विफ्ट आप चला के देखना, कभी टेस्ट ड्राइव करना स्विफ्ट की, अगर वो 80 से ऊपर जाती, टायर नॉइज इतना बढ़ जाता है उस कार में, वो टायर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है रोड पे, चाहे सीमेंटेड रोड हो चाहे वो आपकी तारकोल वाली रोड हो, तो इतनी ज़्यादा टायर नॉइज, और इसमें टायर नॉइज बहुत ही मिनिमल सी है, उसके टायर इतने ब्रॉड है, ग्रिप इतनी अच्छी मिलती है टायर से कि 140 पे भी आप ब्रेक मारोगे ना तो कार इतने अश्योरिंग तरीके से रुकेगी ना, वो स्विफ्ट में नहीं मिलने वाला आपको, वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको केवल और केवल माइलेज से बहुत ज़्यादा ही प्यार है, कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तभी आप स्विफ्ट लीजिए, वरना स्विफ्ट में भी कोई बहुत खास माइलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको इस ये पेट्रोल पे 14-15 देगी तो स्विफ्ट आपको 16-17 दे देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी, तो 1 किलोमीटर के अंतर के लिए आप अच्छी गाड़ी को मत छोड़िए, ये मेरा कहना है, इसीलिए मैंने ये कार भी चूज़ की। तो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आप लोग बता दिया है सारे जो रीजंस थे इस कार को खरीदने के, तो
अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपको रिव्यू का आज कोई भी वीडियो दे सकता हूँ, बट रिव्यू ज़रूर आएगा इस कार का, वो उसके लिए आप लोग ज़रूर वेट करिएगा। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ और भी आने वाले हैं, अलग अलग कार्स पर मैं एनालिसिस करके आपको वीडियोज़ देने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, कोई कुछ गलत लगा हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया वीडियो में तो कमेंट में बताइएगा, और डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड टिल देन आप लोग सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।